निंदक नहीं प्रशंसक बनो। एक चित्रकार ने अत्यंत परिश्रम एवं लगन से बहुत सुंदर चित्र बनाया और उसे एग्जीबिशन में रखा। चित्र के नीचे उसने लिखा, चित्र में जहां कमी नजर आए वहां आप मार्कर पेन से निशान लगा दें। दूसरे दिन चित्रकार अपने खूबसूरत चित्र को बद शक्ल देख स्तब्ध रह गया। चित्र के प्रत्येक भाग में गलत के निशान देख वह अचंभे में पड़ गया। हताश होकर वह चित्र को घर ले आया। पुनः उसने अथक मेहनत से वैसा ही नया चित्र बनाकर एग्जीबिशन में रख दिया। अब की बार उसने चित्र के आगे मार्कर पेन के बदले रंग एवं छोटे बड़े ब्रश रखे। चित्र के नीचे लिखा, चित्र में जहां कमी दिखाई दे उसे कृपया ब्रश एवं रंगों से सुधार दे ताकि चित्र और भी सुंदरतम लगे। दूसरे दिन चित्रकार ने देखा, चित्र जैसा था वैसा ही है, रंग और ब्रश भी यथास्थान पड़े हैं, उसे किसी ने छुआ तक नहीं। चित्रकार के मुख से सहसा शब्द निकले, किसी के काम में मीन मेक निकालना कितना आसान है, दूसरों के प्रयासों में कमियां और गलतियां निकालना सरल है, पर खुद वैसा करके दिखाना कितना मुश्किल है। मानव मन का यह कैसा उल्टा हिसाब है, न वह अच्छे को अच्छा कह पाता है और न उसे सुधारने में समर्थ है। इतना ही नहीं, अच्छी बातों की प्रशंसा करने के लिए वह शब्दों की कंजूसी करता है और निंदा के लिए उसके दिमाग में शब्दकोश खुल जाता है। यही कारण है कुछ लोग ईर्ष्यावश निंदा करते हैं तो कुछ हीनता की भावना से बुराई करते हैं, कुछ स्वभाव से ही छिद्रान्वेषी है तो कुछ कमियां निकालने में अपना बड़प्पन मानते हैं। विश्व में दो प्रकार के मनुष्य हैं, कुछ दीपक प्रगटाते हैं तो कुछ दीपक बुझाते हैं, कुछ बनाते हैं कुछ बिगाड़ते हैं। तथापि अधिकांश लोग निंदा करना जानते हैं, प्रशंसा नहीं। निंदा का स्वरूप बिल्कुल ब्लॉटिंग पेपर जैसा है, जहां पड़ी हुई अवगुणों की स्याही रुकने या सिकुड़ने का नाम ही नहीं लेती। सावधान, निंदा सुनना भी उतना बुरा है जितना निंदा करना। निंदा सुनने से निंदक को प्रोत्साहन मिलता है, वह सोचता है मेरी बात सुनी जा रही है, इसका मतलब मैं सत्य बोल रहा हूँ, अतः निंदक की बात सुनकर उसे कभी बढ़ावा मत देना। ध्यान रहे, संसार में अच्छा बुरा कुछ नहीं, दृष्टि ही अच्छा बुरा पसंद नापसंद का लेबल लगाती है। अगर आपकी आंख में अमृत है तो सबकी आंख में आपको अमृत की परछाई नजर आएगी। हर आदमी में खराबी और खासियत दोनों होती है। गरीब आदमी की झोपड़ी में भी एक दरवाजा जरूर होता है। इसी तरह पापी से पापी आदमी में भी एक न एक सद्गुण जरूर होता है। जो आपकी निंदा करे उसे अपने जीवन का प्रूफ रीडर मानना, उसकी सराहना करना, क्योंकि वह आपकी जीवन पुस्तक के न केवल दोष दिखा रहा है बल्कि आपको आत्म जगत में जाने का एक अवसर भी दे रहा है। अतः अपने निंदक की निंदा मत करना बल्कि उसके निकट रहना, उसका आभार मानना। निंदा के दोष से दूर रहना हो तो अपने से एक प्रश्न पूछे, जो मैं दूसरों में देखना चाहता हूँ वह सब मुझ में है भला? यदि नहीं तो दूसरों के अच्छे कार्यों को खुशी से स्वीकारे एवं उसके सत्कार्यों की प्रशंसा भी करे। स्मरण रहे, शुभ कार्यों की सराहना से दोहरा लाभ मिलता है। निंदा की वृत्ति शांत रहती है और स्व में रहे सत्कार्यों के बीज को पोषण मिलता है। इसलिए समझदार वे हैं जो निंदा नहीं प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है किसी की सफलता का आधार उसकी योग्यता और परिश्रम पर अवलंबित है। यूं भी संसार द्वंद्वमय है, इसलिए मनुष्य में गुण अवगुण दोनों है। दोष दृष्टि निंदा का विमोचन करती है तो गुण दृष्टि
प्रशंसा को उद्घाटित करती है। अतः अपने मन में प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, आदर एवं अनुमोदना का भाव रखोगे तो निंदा की डगर से बचा जा सकता है। निंदा की लिस्ट से अपना नाम सदा के लिए हटाना हो तो एक प्रयोग अवश्य करें। आज तक जिनकी निंदा की है, जिन्हें बुरा माना है, उनके एक गुण का स्मरण करें और अवसर मिलने पर सराहना करना न भूलें।